शासित प्रदेश दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नजदीक स्थित है। पहले यह पुर्तगालियों के कब्जे में था। स्वतंत्रता के बहुत बाद तक यह पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। 1961 ईस्वी में जब गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत में मिलाया गया, उसी समय दमन को भी भारत में शामिल कर लिया गया था। उस समय इसे गोवा में मिला दिया गया था, लेकिन 1987 ईस्वी में इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। मुख्य आकर्षण केंद्र दमन गंगा नदी 72 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस केंद्र शासित प्रदेश को दो भागों में नानी दमन छोटा दमन तथा मोटी दमन बड़ा दमन में बांटती है। होटल तथा रेस्टोरेंट नानी दमन में स्थित है, जबकि प्रशासनिक भवन तथा चर्च बड़े दमन अर्थात मोटी दमन में स्थित है। मोटी दमन में अनेक चर्च स्थित है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चर्च कैथेड्रल बोल जेसु है। इसका निर्माण 1603 ईस्वी में हुआ था। इस कैथेड्रल में लकड़ी की बहुत सुंदर कारीगरी की गई है। चर्च की दीवारों पर भी की गई चित्रकारी भी काफी आकर्षण है। चित्रों में ईसा मसीह को चित्रित किया गया है। संत जेरोम किला नानी दमन में 1614 से 1627 ईस्वी के बीच बना था। इस किले का निर्माण मुगल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यहाँ के सभी होटलों में आमतौर पर रेस्टोरेंट हैं और केंद्र शासित प्रदेश द्वीप गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के नजदीक स्थित है। भारत की लोकसभा में दमन एवं द्वीप के लिए एक सीट आवंटित है। वर्तमान में 16वीं लोकसभा में यहाँ के प्रतिनिधि श्री लालू भाई पटेल कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध है।